नमस्कार, नॉर्थ इंडियन टेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ ड्राई आलू दम। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे आप पूरी से, पराठों से या स्टार्टर के तौर पे भी खा सकते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। ड्राई आलू दम के लिए हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इस तरह हैं। 800 ग्राम छोटे वाले आलू, जिसे मैंने बॉईल करके अच्छे से छील लिया है। 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। 3 टेबलस्पून सरसों का तेल, आप इसकी जगह कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। जीरा 1 टीस्पून, सफ़ेद वाले तिल 1 टेबलस्पून। तिल को मैंने पहले से रोस्ट करके रखा है। कसूरी मेथी 2 टेबलस्पून, जिसे मैंने पहले से रोस्ट करके रखा है। लहसुन अदरक का पेस्ट, जिसमें 1 लहसुन की गांठ मैंने ली है, जिसमें 16 से 17 लहसुन की कलियां थी, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। 1 नींबू का रस, हरी धनिया जिसे मैंने काट के रखा हुआ है पहले से। आलू दम का मसाला तैयार करेंगे, उसके लिए मैंने 1 टीस्पून जीरा लिया है, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून सूखी धनिया, 2 सूखी लाल मिर्च, 6 से 7 काली मिर्च। यहाँ मैं मसाले में 2 सूखी लाल मिर्च यूज़ करूँगी। आप अगर चाहें तो और भी ले सकते हैं अगर आप तीखा ज़्यादा खाते हैं। हींग 2 चुटकी। खड़े मसालों को रोस्ट करने के लिए मैंने गैस पे तवा चढ़ा दिया है और गैस को ऑन कर दिया है। अब मैं तवे पे सूखे मसाले डालूंगी और अच्छे से रोस्ट करूंगी। गैस को लो फ्लेम पे रख के मैंने मसालों को 1 मिनट तक रोस्ट कर लिया है। अब मैं इसे मिक्सी में पीसूंगी। मसालों को मैंने एक प्लेट में निकाल दिया है। अब मैं इसे मिक्सी में पीसूंगी और साथ में कसूरी मेथी को भी पीसूंगी। मसालों को मैंने अच्छे से पीस लिया है, ये देखिए। अब मैं आलू को एक प्लेट में डालूंगी और टूथपिक की हेल्प से छोटे छोटे छेद करूंगी। टूथपिक से मैंने छोटे छोटे छेद कर दिए हैं। इससे मसालों का फ्लेवर और नमक का अंदर तक आता है आलू में, इससे ये और भी टेस्टी लगते हैं। तो पहले मैं आलू को अच्छे से फ्राई करूंगी। गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और गैस को ऑन कर दिया है। कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून के लगभग सरसों का तेल डालूंगी। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें आलू डालूंगी। आलू मैंने डाल दिया है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी और अच्छे से हमें इसे फ्राई करना है। आलू को फ्राई करने के लिए मैंने गैस को हाई फ्लेम पे ही रखा है। तो आलू को मैंने 2 मिनट तक फ्राई किया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल के फिर से फ्राई करूंगी। तो अभी मैं थोड़ा सा ही नमक डालूंगी और थोड़ा नमक मसालों के साथ डालूंगी आलू दम में। नमक मैंने डाल दिया है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी
इससे नमक हमारा अंदर तक जाएगा आलू में और आलू दम और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो आलू को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। नमक डालने के बाद मैंने इसे 2 से 3 मिनट और फ्राई किया है। अब मैं इसे एक बोल में निकालूंगी। तो आलू को मैंने एक बोल में निकाल दिया है। ये प्रोसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है आलू दम बनाने के लिए। अब मैं तड़का लगाऊंगी। तो कढ़ाई को मैंने बंद नहीं किया था, लो फ्लेम पे रखा था। अब मैं इसमें फिर से ऑयल डालूंगी। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें जीरा डालूंगी। सफेद वाले तिल और थोड़ा सा बचा के रखेंगे बाद में डालने के लिए। हींग, लहसुन अदरक का पेस्ट और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को मैंने अच्छे से फ्राई कर दिया है। अब मैं इसमें आलू डालूंगी। आलू मैंने डाल दिया है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। तो आलू को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसे कवर करके रखूंगी। 2 मिनट के लिए हमें इसे कवर करके रखना है और गैस को मैंने लो फ्लेम पे कर दिया है। 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे अच्छे से चलाऊंगी। अब मैं इसमें आलू दम का मसाला जो मैंने तैयार करके रखा था उसे डालूंगी। चाट मसाला, नींबू का रस, हरी धनिया, आलू दम का मसाला, चाट मसाला, सफेद वाले तिल जो मैंने बचा के रखा था, नींबू का रस, नमक, थोड़ा सा नमक मैंने पहले भी डाला था इसलिए थोड़ा सा मैं और ऐड करूंगी। हरी धनिया और इन सभी को अच्छे से मिक्स करूंगी। मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसे कवर करके रखूंगी और गैस को लो फ्लेम पे ही रखना है। 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे फिर से मिक्स करूंगी। अब हमारा आलू दम पूरी तरीके से रेडी है। अब मैं इसे सर्व के लिए निकालूंगी। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है आलू दम की। आलू दम में आप नींबू का रस जरूर डालिए, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब मैं गैस को बंद करूंगी और बोल में निकालूंगी। आलू दम को मैंने एक बोल में सर्व कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर हरी धनिए से गार्निशिंग करूंगी और सफेद वाले तिल से जिसे मैंने रोस्ट करके रखा था। आलू दम में मैंने गार्निशिंग कर दी है। आलू दम देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। आप इसे पूड़ी से, पराठों से खा सकते हैं या स्टार्टर के तौर पे भी आप इसे खा सकते हैं। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए।